दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल्डन ग्लोब फिल्म्स में। तो ये कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने जा रही है, लियो जो कि ब्लडी स्वीट के रूप में पूरे देश में इसको वितरण किया गया है। यह एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनकराज द्वारा निर्देशित और SS ललित कुमार और जगदीश पलानी सामी द्वारा निर्मित है। इसमें विजय के साथ संजय दत्त, अर्जुन, त्रिषा, मैडोना, सेबेस्टियन, गौतम वासुदेव मेनन, मैसस्किन, मंसूर अली खान, जॉर्ज मैरिन, प्रिया आनंद और मैथ्यू थॉमस मुख्य भूमिका में है। यह लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और ये हिस्ट्री ऑफ वायलेंस 2005 से प्रेरित है, जो इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थाई शीर्षक थालापट्टी 67 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 67वीं फिल्म है और इसी कारण से इसका शीर्षक थालापट्टी 67 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कश्मीर में एक छिटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूर्व स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को दुनिया भर में 19 अक्टूबर 2023 को मानक और IMAX प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया है। यह लियो जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी पर, जो कि सच्ची कहानी है, उस पर यह निर्भर है। पार्थिबन, यानी पार्थी, एक पशु बचावकर्ता और ठियोग में एक कैफे का मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या और दो बच्चों सिद्धार्थ यानी कि सिद्धू और माथी यानी चिंटू के साथ खुशी से रह रहा है। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रियोज, जो कि एक वन रेंजर है, उसे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद के लिए बुलाता है। सिद्धू की माँ मदद से पार्थी लकड़बग्घे को शांत करने और शहर वासियों को बचाने में सफल हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा के शांत हो जाने पर उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और माथी कैफे में थे, तभी सनमुगम नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर और उसके आदमी कैफे को लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य एक महिला कर्मचारी पर चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक ने माथी को मारने का प्रयास किया तो पार्थी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार दी, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से वह टूट गया। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छप गई। ऐसे ही एक छवि तेलंगाना में हेराल्ड दास नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर को दिखाई देती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में सूचित करता है। इसी बीच सनमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि नेपोलियन को हाल ही में दिल्ली के साथ उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था। उसके परिवार की रक्षा करने का उसे काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है, जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय
जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त इरुधिये राज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। इरुधिये राज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। जब वो लियो के अतीत के बारे में बताता है, उसके बाद फिल्म में पूर्ण रूप फ्लैशबैक में कहानी चलना शुरू हो जाती है। तो अतीत की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेराल्ड कनाडा से लौटे और दवाओं की तस्करी शुरू कर दी, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पाद चलन में नहीं थे। एंटनी के जुड़वा बच्चों लियो और एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही गंदा काम किया। तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलता, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के पूर्ण रूपेण काबू में हो गया था और इसी तंत्र मंत्र को लेकर वो बलि देने वाली प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया। क्रोधित होकर लियो ने हेराल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेराल्ड एलिसा को मारने में कामयाब रहा और एंटनी ने लियो को गोली मार दी, जिसे तब से मृत मान लिया गया था। यह सुनकर जोशी को यकीन हो गया कि पार्थी लियो नहीं है, जबकि सत्या को भी इसका पक्का सबूत मिल गया। इस बीच एंटनी ने सिद्धू का अपहरण कर लिया और उससे कहा कि वह सिद्धू की बलि दे देगा, क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि नहीं दे सकता। पार्थी और नेपोलियन एंटनी और उसके आदमी का पीछा करते हैं। पार्थी अंततः उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हेराल्ड को एंटनी की मौत के बारे में पता चलता है और वह पार्थी को सिद्धू के बंगले बदले में एंटनी का शव लाने के लिए बुलाता है। जैसे ही पार्थी हेराल्ड की मांद में जाता है, हेराल्ड को पता चल जाता है कि उसने सत्य और माथी को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि नेपोलियन जोशी और लकड़बग्घे ने सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। हेराल्ड के आदमी उनकी मांद में पार्थी पर हमला करते हैं, जो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। हेराल्ड और पार्थी के बीच लड़ाई हो जाती है, जहां पार्थी एक बंदूक पकड़ लेता है और हेराल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस बिंदु पर हेराल्ड स्वीकार करता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि पार्थी हंसने लगता है और अंततः हेराल्ड को गोली मारने और पूरे दास एंड कंपनी कारखाने को विस्फोट से उड़ाने से पहले स्वीकार करता है कि वह लियो है। लियो का कहना है कि उसने अपने अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और जो कोई भी उसका इतिहास जानता है उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, पार्थी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन में लौटता है, जहां उसे एक फोन आता है। कॉल करने वाले ने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्थी लियो है और उसे बताता है कि केवल उसके परिवार की फैक्ट्री को नष्ट करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ड्रग्स पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कॉल करने वाला यह भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थी उसकी पहचानता है, क्योंकि पार्थी गुस्से में आ भरता है। तो दोस्तों, इसमें विजय जो है
लियो दास यानी कि पार्थिवन, पार्थी के रूप में, लियो के रूप में भी और पार्थी के रूप में, दोनों रूप में विजय ने काम किया है। एंटनी दास लियो और एलिसा के पिता के रूप में संजय दत्त है, जो कि हेराल्ड दास का बड़ा भाई के रूप में उन्होंने काम किया है। हेराल्ड दास लियो और एलिसा के चाचा के रूप में अर्जुन ने काम किया है, जो कि एंटनी का छोटा भाई है। त्रिशा कृष्णन सत्या के रूप में और पार्थिवन की पत्नी यानी चिन्मय श्रीपदा द्वारा डब की गई आवाज में वो काम किए हैं। गौतम वासुदेव मेनन वन रेंजर जोशी एंड्रयूज के रूप में उन्होंने काम किया है। जॉर्ज मैरियन नेपोलियन के रूप में है। लियो की जुड़वा बहन एलिसा दास के रूप में मैडोना सेबेस्टियन ने काम किया है। प्रिया आनंद प्रिया जोशी एंड्रयूज जोशी की पत्नी के रूप में उन्होंने काम किया है। सिद्धार्थ सिद्धू पार्थिवन और सत्य के बेटे के रूप में मैथ्यू थॉमस है। याल मथी चिंटू पार्थिवन और सत्या की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। हृदय राज डिसूजा लियो के विश्वास पात्र और मित्र के रूप में मंसूर अली खान ने काम किया है। एंटनी के गुर्गे के रूप में बाबू एंटनी है। सनमुगम के रूप में मैसस्किन है। सनमुगम की पत्नी के रूप में शांति मास्टर है। सनमुगम के गिरोह में सैंडी मास्टर एक डाकू है। सनमुगम के बहनोई के रूप में मधुसूदन राव है। जननी कुनासिरन श्रुति के रूप में है और श्रुति के पति के रूप में सचिन मणि ने काम किया है। जज के रूप में डेंजिल स्मिथ ने काम किया है। पार्थिवन के वकील के रूप में शांति माया देवी है। लोक अभियोजक के रूप में लीला सैमसन है। गैबी के रूप में रामकृष्णन वैयापुरी एक जिप्सी के रूप में दिनेश मास्टर दिनेश के रूप में जवाहर एक पशु चिकित्सक के रूप में डैनियल के रूप में अनुराग कश्यप है, जो कि उनकी कैमियो उपस्थिति है लेकिन बिल्कुल ही उनका छोटा रोल है। माया एस कृष्णन एक अनुरक्षक के रूप में, जो कि उनका भी एक कैमियो उपस्थिति है। एजेंट विक्रम के रूप में कमल हसन है, जो कि कमल हसन कैमियो में भी आते नहीं है लेकिन सिर्फ उनकी आवाज अंत में सुनाई पड़ती है। दोस्तों ये 2021 की शुरुआत में मास्टर फिल्म की सफलता के बाद यह बताया गया कि लोकेश कनक राज ने विजय से उनके आवास पर मुलाकात की और एक स्क्रिप्ट सुनाई जिससे वह प्रभावित हुए। यह परियोजना एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनेता की 66वीं फिल्म मानी जाती थी, जो कि मास्टर फिल्म थी, यानी कि 66वीं फिल्म उनकी जो हुई ये फिल्म थी लियो। हालांकि इसके बजाय वह पद वारिसु जो कि 2023 में ही रिलीज हुई थी ये उन्हें मिल गया। लोकेश और विजय के बीच संभावित सहयोग की खबरें फरवरी 2022 तक जारी रहीं। अगले मार्च में लोकेश ने पुष्टि की कि विजय की 66वीं फिल्म का निर्देशन करने के लिए उनके साथ चर्चा हुई थी। उस मई में उन्होंने इस परियोजना की पुष्टि की जिसका अस्थायी शीर्षक थलापट्टी 67 था। इस परियोजना को SS ललित कुमार के 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने मास्टर का वितरण और सह निर्माण किया था। विजय के मैनेजर जगदीश पलानी सामी ने सह निर्माता के रूप में इसमें काम किया है। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 30 जनवरी 2023 को एक सार्वजनिक घोषणा की और फिल्म का आधिकारिक शीर्षक लियो 3 फरवरी 2023 को सामने आया। फिल्म की बजट जो है वो लगभग 250 से 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई है।
और व्यय को पारिश्रमिक के रूप में लगभग 120 करोड़ रुपए प्राप्त होने की ये सूचना है। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर फिल्म के निर्माण को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व साझा कर मॉडल अपनाने का फैसला किया। आधार के अनुसार उन्हें अग्रिम के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और मुनाफे का एक हिस्सा अभिनेता के पारिश्रमिक के रूप में उन्हें प्राप्त हुए हैं। विजय लियो को एक अखिल भारतीय फिल्म बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वह तमिल दर्शकों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हालांकि ललित और जगदीश के समझाने के बाद अभिनेता ने अपना मन बदल लिया। फिल्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए मूल कहानी में भी कुछ बदलाव किए गए। अगस्त 2023 में फिल्म को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, क्योंकि निर्माताओं ने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और राज कमल फिल्म इंटरनेशनल के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेखन और प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनगराज को लगभग 6 महीने लग गए, और जिल जंग जुग जो कि 2016 में फिल्म आई थी के निर्देशक धीरज वैद्य के साथ लगातार तीसरे सहयोग में रत्ना कुमार के साथ फिल्म की पटकथा लिखी गई। वे दोनों अगस्त 2022 के मध्य में लेखन टीम में शामिल हुए। लोकेश कनगराज ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से उनकी शैली में ही बनाई जाएगी। मास्टर फिल्म के विपरीत, जिसे वह 50% विजय फिल्म और 50% अपनी फिल्म मानते हैं, 5 दिसंबर 2022 को चेन्नई के एबीएम स्टूडियो में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई। 7 दिसंबर को टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। जनवरी 2023 के मध्य में मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया, जो नानबन 2012 में आई थी और बिष्ट जो कि विजय की फिल्म है 2022 में आई थी के बाद लोकेश कनगराज के साथ उनका पहला और विजय के साथ तीसरा सहयोग था। अनिरुद्ध रविचंद्र निर्देशक के साथ अपनी लगातार तीसरी फिल्म में वो संगीत दिए हैं। लोकेश कनगराज ने संपादक फिरोमिन राज, स्टंट कोरियोग्राफी जोड़ी अनबरीव, नृत्य कोरियोग्राफर दिनेश कुमार और कला निर्देशक एन सतीश कुमार सहित अपने अधिकांश मानक तकनीशियनों को बिल्कुल ही बरकरार रखा। प्रवीण राजा अपनी नियमित पोशाक डिजाइनर पल्लवी सिंह और एका लखानी के साथ विजय के लिए पोशाकें तैयार की है। राम कुमार बालासुब्रमण्यम को प्रोडक्शन हाउस द्वारा फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। विजय अपने किरदार के लिए ग्रे शेड हेयर स्टाइल उन्होंने रखा है, जो कि बिल्कुल ही पहले के फिल्म के बनिस्पत अलग दिखे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया, क्योंकि उसके लुक को यानी कि हेयर स्टाइल को भी बहुत सारे टेस्ट के बाद ही चुना गया कि ये हेयर स्टाइल बिल्कुल ही इस लियो के लिए सटीक बैठेगा। तीसा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। घिल्ली, थिरुपाची, आथी और कुरुवी के बाद 5वीं बार विजय के साथ इन्होंने अपनी जोड़ी बनाई है। संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की पहली फिल्म के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2
जो कि 2022 में आई थी, के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होकर संजय दत्त इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए। प्रिया आनंद भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल हुई है, जबकि अर्जुन सरजा को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। उन्होंने इसे अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को उचित ठहराएगा। मैडोना सेबेस्टियन मैसेस्किन, सैंडी मास्टर, गौतम वासुदेव मेनन, मंसूर अली खान प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मैथ्यू थॉमस भी इस फिल्म से अपना तमिल डेब्यू करेंगे। जनवरी 2023 के अंत में प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके समावेशन की पुष्टि की गई थी। मनोबाला और जननी पुनासिलन फिल्म की प्रारंभिक शूटिंग में उपस्थित थे, जिससे फिल्म में उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। इस फिल्म के साथ वह एक फीचर फिल्म में अपने अभिनय की शुरुआत की है। जॉर्ज मैरिन को भी मुहूर्त पूजा में दिखाया गया, जिससे उनके शामिल होने की पुष्टि हो गई। अभिरामी वेंकट चलम और बाबू एंटनी को भी फिल्म के कश्मीर शेड्यूल में भाग लेने के बाद पुष्टि की गई कि वो भी इस फिल्म के हिस्सा होंगे। मनोबाला की 3 मई 2023 को बिना किसी दृश्य की शूटिंग के मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस फिल्म की जो फोटोग्राफी की गई या फिल्माया गया, वो कहाँ कहाँ फिल्माया गया, उसका सारांश जो है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाई कनाल में आयोजित किए गए थे और मैसेस्किन ने अपने कुछ हिस्सों की शूटिंग वहां की थी, क्योंकि वह कश्मीर की यात्रा के लिए तारीखें आवंटित नहीं कर सके थे, जहां अगला कार्यक्रम होगा। दूसरा शेड्यूल 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुआ। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया और वायरल हो गया, जिसके बाद फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा भागीदार ने लोगों को लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके अलावा शूटिंग से तस्वीरें और वीडियो लीक होने से रोकने के लिए अधिकांश कलाकारों और क्रू सदस्यों को सेट पर मोबाइल फोन का उपयोग करने से बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। 27 फरवरी 2023 को मैसेस्किन ने ट्वीट किया कि उन्होंने फिल्म के लिए अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा कर लिया है, जिसमें एक गहन स्टंट अनुक्रम शामिल था। मार्च की शुरुआत में मेनन ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। महत्वपूर्ण हिस्सों को शूट करने के लिए मनोज परमहंस एक आईमैक्स प्रमाणित रेड वी रैप्टर 8K कैमरा लाए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए पहली बार था। 11 मार्च को संजय दत्त ने कश्मीर शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू की और उन्हें 6 दिनों के भीतर पूरा किया। 21 मार्च को स्थान पर मामूली भूकंप के कारण फिल्मांकन रोक दिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से शुरू हो गया। इस शेड्यूल में 10 करोड़ की लागत से बना एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था, जिसमें एक लकड़बग्घा भी शामिल था।
विजय ने केवल एक साधारण पतली शर्ट के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद उन्हें बर्फ पर लौटना पड़ा। उनके शर्टलेस होने का एक दृश्य भी फिल्माया गया था। कश्मीर कार्यक्रम 23 मार्च को समाप्त हो गया। स्टूडियो ने लियो के दल को श्रद्धांजलि के रूप में उस दिन कश्मीर शेड्यूल का एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया, जिन्होंने -5 से -6 डिग्री सेल्सियस में पर्दे के पीछे काम किया। निर्देशक ने कश्मीर शेड्यूल को पूरा करने के लिए क्रू के प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद दिया। टीम ने इस शेड्यूल में डल झील, हजरत बल श्राइन, सोन मार्ग, पहलगाम और श्रीनगर में शूटिंग की। तीसरा शेड्यूल 29 मार्च को चेन्नई में शुरू करने का इरादा था, लेकिन 5 अप्रैल को यह जाकर शुरू हुआ, लगभग एक सप्ताह बाद। इस शेड्यूल के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा। विजय, संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन, अर्जुन सरजा और प्रिया आनंद के साथ समवर्ती कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जिसके 17 दिनों तक चलने की सूचना है। कुछ एक्शन दृश्यों को मोको बैट कैमरे से शूट किया गया था। त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त और अर्जुन सरजा मई से फिल्म की फिर से वो शूटिंग उन्होंने शुरू की। लोकेश कनगराज ने कम से कम 2000 पृष्ठभूमि कलाकारों को शामिल करते हुए एक परिचयात्मक गीत अनुक्रम शूट करने की भी योजना बनाई। इस गाने की शूटिंग जून की शुरुआत में चेन्नई में 500 पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ की गई थी। निर्माताओं ने 7 दिनों तक गाने की शूटिंग के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। परमहंस ने उच्च रिजोल्यूशन में एक्शन दृश्यों को शूट करने के लिए एक कोमोडो एक्स कैमरा खरीदा। इस प्रकार इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। जून के अंत में उत्पादन ताला कोना में स्थानांतरित हो गया। अंतिम शेड्यूल हैदराबाद में और क्लाइमेक्स भाग रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया। विजय ने 10 जुलाई तक अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। मुख्य फोटोग्राफी 14 जुलाई 2023 तक पूरी हो गई थी। फिल्मांकन 125 कार्य दिवसों तक चला। लगभग 4 महीने तक इसकी शूटिंग चली। 1 महीने बाद टीम पैचवर्क फिल्मांकन के लिए कश्मीर लौट आई थी। फरवरी 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि लोकेश कनगराज CGI पर समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिल्म को विस्तारित पोस्ट प्रोडक्शन समय मिल गया। विजय ने जुलाई 2023 की शुरुआत में अपने सेगमेंट के लिए डबिंग शुरू की और 10 जुलाई को इसे पूरा कर दिया। मुनेश एच और वी श्रीनिवास मोहन फिल्म के प्रमुख विजुअल इफेक्ट स्टूडियो मूविंग पिक्चर कंपनी अल जरा VFX और स्काई हाई VFX के साथ दृश्य प्रभाव परीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। फिल्म का डिजिटल इंटरमीडिएट और कलर ग्रेडिंग का काम अगस्त 2023 के अंत में शुरू हुआ था। चिन्मय श्रीपदा ने फिल्म के तमिल, तेलुगु और कन्नड़ संस्करणों के लिए त्रिशा कृष्णन के लिए डब किया था। दोस्तों, इसके संगीत की बात की जाए तो साउंड ट्रैक अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित की गई है। कथी 2014, मास्टर 2021 और बिष्ट 2022 के बाद विजय के साथ उनके चौथे सहयोग में मास्टर 2021 और विक्रम 2022 के बाद लोकेश कनगराज के साथ यह उनका
तीसरा सहयोग है संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 16 करोड़ में खरीदे गए थे। ऑडियो लॉन्च 30 सितंबर 2023 को नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में सुरक्षा बाधाओं के अलावा पास के लिए लगातार अनुरोधों के कारण 27 सितंबर 2023 को रद्द कर दिया गया था। ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 16 सितंबर 2023 को 11वें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में लोकेश कनगराज ने घोषणा की कि फिल्म अपडेट अगले दिन से शुरू हो जाएंगे। लियो का आधिकारिक माल 17 सितंबर 2023 को विलेवोस द्वारा लॉन्च किया गया था। लियो ब्लडी स्वीट प्रोमो 3 फरवरी 2023 को ही रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म के शीर्षक का खुलासा भी किया गया। फर्स्ट लुक पोस्टर 22 जून 2023 को जारी किया गया था और ट्विटर पर 24 घंटों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फर्स्ट लुक बन गया। 17 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ तेलुगु पोस्टर 32 मिनट में इंस्टाग्राम पर एक दोस्तों तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन ग्लोब फिल्म्स में। तो यह कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। लियो जो कि ब्लडी स्वीट के रूप में पूरे देश में इसको वितरण किया गया है। यह एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनकराज द्वारा निर्देशित और SS ललित कुमार और जगदीश पलानी सामी द्वारा निर्मित है। इसमें विजय के साथ संजय दत्त, अर्जुन, त्रिशा, मैडोना, सेबेस्टियन, गौतम वासुदेव मेनन, मैसस्किन, मंसूर अली खान, जॉर्ज मैरिन, प्रिया आनंद और मैथ्यू थॉमस मुख्य भूमिका में है। यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और ये हिस्ट्री ऑफ वायलेंस 2005 से प्रेरित है, जो इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थाई शीर्षक थालापट्टी 67 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 67वीं फिल्म है और इसी कारण से इसका शीर्षक थालापट्टी 67 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कश्मीर में एक हिट फुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूर्व स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को दुनिया भर में 19 अक्टूबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिर्ची समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया है। यह लियो जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी पर, जो कि सच्ची कहानी है, उस पर यह निर्भर है। पार्थिबन यानी पार्थी एक पशु बचावकर्ता और ठियोग में एक कैफे का मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या और दो बच्चों सिद्धार्थ यानी कि सिद्धू और माथी यानी चिंटू के साथ खुशी से रह रहा है। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रियोज, जो कि एक वन रेंजर है, उसे एक चित्तीदार लकड़ बग्घे को वश में करने में मदद के लिए बुलाता है। सिद्धू की माँ मदद से पार्थी लकड़ बग्घे को शांत करने और शहर वासियों को बचाने में सफल हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़ बग्घा के शांत हो जाने पर उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और माथी कैफे में थे, तभी सनमुगम नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर और उसके आदमी कैफे को लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य एक महिला कर्मचारी पर चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक ने माथी को मारने का प्रयास किया तो पार्थी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार दी, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से वह टूट गया। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया गया, लेकिन
उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छप गई। ऐसे ही एक छवि तेलंगाना में हेराल्ड दास नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर को दिखाई देती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में सूचित करता है। इसी बीच सनमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि नेपोलियन को हाल ही में दिल्ली के साथ उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था। उसके परिवार की रक्षा करने का उसे काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है, जिसे मृत मान लिया गया था। लेकिन पार्थी ने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त इरुधिये राज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। इरुधिये राज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। जब वो लियो के अतीत के बारे में बताता है, उसके बाद फिल्म में पूर्ण रूपेण फ्लैशबैक में कहानी चलना शुरू हो जाती है। तो अतीत की कहानी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेराल्ड कनाडा से लौटे और दवाओं की तस्करी शुरू कर दी, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पाद चलन में नहीं थे। एंटनी के जुड़वा बच्चों लियो और एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही गंदा काम किया। तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलता, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के पूर्ण रूपेण काबू में हो गया था और इसी तंत्र मंत्र को लेकर वो बलि देने वाली प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया। क्रोधित होकर लियो ने हेराल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेराल्ड एलिसा को मारने में कामयाब रहा और एंटनी ने लियो को गोली मार दी, जिसे तब से मृत मान लिया गया था। यह सुनकर जोशी को यकीन हो गया कि पार्थी लियो नहीं है, जबकि सत्या को भी इसका पक्का सबूत मिल गया। इस बीच एंटनी ने सिद्धू का अपहरण कर लिया और उससे कहा कि वह सिद्धू की बलि दे देगा, क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि नहीं दे सकता। पार्थी और नेपोलियन एंटनी और उसके आदमी का पीछा करते हैं। पार्थी अंततः उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हेराल्ड को एंटनी की मौत के बारे में पता चलता है और वह पार्थी को सिद्धू के बंगले बदले में एंटनी का शव लाने के लिए बुलाता है। जैसे ही पार्थी हेराल्ड की मांद में जाता है, हेराल्ड को पता चल जाता है कि उसने सत्य और माथी को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि नेपोलियन, जोशी और लकड़बग्घे ने सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। हेराल्ड के आदमी उनकी मांद में पार्थी पर हमला करते हैं, जो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। हेराल्ड और पार्थी के बीच लड़ाई हो जाती है, जहां पार्थी एक बंदूक पकड़ लेता है
और हेराल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ देता है। इस बिंदु पर हेराल्ड स्वीकार करता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि पार्थी हंसने लगता है और अंततः हेराल्ड को गोली मारने और पूरे दास एंड कंपनी कारखाने को विस्फोट से उड़ाने से पहले स्वीकार करता है कि वह लियो है। लियो का कहना है कि उसने अपने अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और जो कोई भी उसका इतिहास जानता है उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, पार्थी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन में लौटता है जहां उसे एक फोन आता है। कॉल करने वाले ने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्थी लियो है और उसे बताता है कि केवल उसके परिवार की फैक्ट्री को नष्ट करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि ड्रग्स पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कॉल करने वाला यह भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थी उसकी पहचानता है क्योंकि पार्थी गुस्से में आह भरता है। तो दोस्तों, इसमें विजय जो है लियो दास यानी कि पार्थिवन, पार्थी के रूप में, लियो के रूप में भी और पार्थी के रूप में, दोनों रूप में विजय ने काम किया है। एंटनी दास लियो और एलिसा के पिता के रूप में संजय दत्त है जो कि हेराल्ड दास का बड़ा भाई के रूप में उन्होंने काम किया है। हेराल्ड दास लियो और एलिसा के चाचा के रूप में अर्जुन ने काम किया है जो कि एंटनी का छोटा भाई है। त्रिशा कृष्णन सत्या के रूप में और पार्थिवन की पत्नी यानी चिन्मय श्रीपदा द्वारा डब की गई आवाज में वो काम किए हैं। गौतम वासुदेव मेनन वन रेंजर जोशी एंड्रयूज के रूप में उन्होंने काम किया है। जॉर्ज मैरियन नेपोलियन के रूप में है। लियो की जुड़वा बहन एलिसा दास के रूप में मैडोना सेबेस्टियन ने काम किया है। प्रिया आनंद प्रिया जोशी एंड्रयूज जोशी की पत्नी के रूप में उन्होंने काम किया है। सिद्धार्थ सिद्धू पार्थिवन और सत्य के बेटे के रूप में मैथ्यू थॉमस है। याल मथी चिंटू पार्थिवन और सत्या की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। हृदय राज डिसूजा लियो के विश्वास पात्र और मित्र के रूप में मंसूर अली खान ने काम किया है। एंटनी के गुर्गे के रूप में बाबू एंटनी है। सनमुगम के रूप में मैसस्किन है। सनमुगम की पत्नी के रूप में शांति मास्टर है। सनमुगम के गिरोह में सैंडी मास्टर एक डाकू है। सनमुगम के बहनोई के रूप में मधुसूदन राव है। जननी कुनासिरन श्रुति के रूप में है और श्रुति के पति के रूप में सचिन मणि ने काम किया है। जज के रूप में डेंजिल स्मिथ ने काम किया है। पार्थिवन के वकील के रूप में शांति माया देवी है। लोक अभियोजक के रूप में लीला सैमसन है। गैबी के रूप में रामकृष्णन वैयापुरी एक जिप्सी के रूप में दिनेश मास्टर दिनेश के रूप में जवाहर एक पशु चिकित्सक के रूप में डैनियल के रूप में अनुराग कश्यप है जो कि उनकी कैमियो उपस्थिति है क्योंकि बिल्कुल ही उनका छोटा रोल है। माया एस कृष्णन एक अनुरक्षक के रूप में जो कि उनका भी एक कैमियो उपस्थिति है। एजेंट विक्रम के रूप में कमल हसन है जो कि कमल हसन कैमियो में भी आते नहीं है लेकिन सिर्फ उनकी आवाज अंत में सुनाई पड़ती है। दोस्तों, ये 2021 की शुरुआत में मास्टर फिल्म की सफलता के बाद यह बताया गया कि लोकेश कनक राज ने विजय से उनके आवास पर मुलाकात की और एक स्क्रिप्ट सुनाई जिससे वह प्रभावित हुए। यह परियोजना एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनेता की 66वीं फिल्म मानी जाती थी
जो कि मास्टर फिल्म थी, यानी कि सातवीं फिल्म उनकी जो हुई ये फिल्म थी लियो। हालांकि इसके बजाय वह पद वारिसु जो कि 2023 में ही रिलीज हुई थी ये उन्हें मिल गया। लोकेश और विजय के बीच संभावित सहयोग की खबरें फरवरी 2022 तक जारी रहीं। अगले मार्च में लोकेश ने पुष्टि की कि विजय की सातवीं फिल्म का निर्देशन करने के लिए उनके साथ चर्चा हुई थी। उस मई में उन्होंने इस परियोजना की पुष्टि की जिसका अस्थायी शीर्षक थलापट्टी 67 था। इस परियोजना को एसएस ललित कुमार के सेवन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने मास्टर का वितरण और सह निर्माण किया था। विजय के मैनेजर जगदीश पलानी सामी ने सह निर्माता के रूप में इसमें काम किया है। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 30 जनवरी 2023 को एक सार्वजनिक घोषणा की और फिल्म का आधिकारिक शीर्षक लियो 3 फरवरी 2023 को सामने आया। फिल्म की बजट जो है वो लगभग 250 से 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई है और विजय को पारिश्रमिक के रूप में लगभग 120 करोड़ रुपए प्राप्त होने की ये सूचना है। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर फिल्म के निर्माण को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व साझा कर मॉडल अपनाने का फैसला किया। आधार के अनुसार उन्हें अग्रिम के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और मुनाफे का एक हिस्सा अभिनेता के पारिश्रमिक के रूप में उन्हें प्राप्त हुए हैं। विजय लियो को एक अखिल भारतीय फिल्म बनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वह तमिल दर्शकों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हालांकि ललित और जगदीश के समझाने के बाद अभिनेता ने अपना मन बदल लिया। फिल्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए मूल कहानी में भी कुछ बदलाव किए गए। अगस्त 2023 में फिल्म को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने की सूचना मिली थी क्योंकि निर्माताओं ने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेखन और प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनगराज को लगभग 6 महीने लग गए और जिल जंग जुक जो कि 2016 में फिल्म आई थी के निर्देशक धीरज वैद्य के साथ लगातार तीसरे सहयोग में रत्ना कुमार के साथ फिल्म की पटकथा लिखी गई। वे दोनों अगस्त 2022 के मध्य में लेखन टीम में शामिल हुए। लोकेश कनगराज ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से उनकी शैली में ही बनाई जाएगी। मास्टर फिल्म के विपरीत जिसे वह 50% विजय फिल्म और 50% अपनी फिल्म मानते हैं। 5 दिसंबर 2022 को चेन्नई के एबीएम स्टूडियो में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई। 7 दिसंबर को टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। जनवरी 2023 के मध्य में मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया जो नानबन 2012 में आई थी और बिस्ट जो कि विजय की फिल्म है 2022 में आई थी के बाद लोकेश कनगराज के साथ उनका पहला और विजय के साथ तीसरा सहयोग था। अनिरुद्ध रविचंद्र निर्देशक के साथ अपनी लगातार तीसरी फिल्म में वो संगीत दिए हैं।
लोकेश कनगराज ने संपादक फिरो मिनराज स्टंट कोरियोग्राफी जोड़ी अनबरीव नृत्य कोरियोग्राफर दिनेश कुमार और कला निर्देशक एन सतीश कुमार सहित अपने अधिकांश मानक तकनीशियनों को बिल्कुल ही बरकरार रखा। प्रवीण राजा अपनी नियमित पोशाक डिजाइनर पल्लवी सिंह और एका लखानी के साथ विजय के लिए पोशाकें तैयार की है। राम कुमार बालासुब्रमण्यम को प्रोडक्शन हाउस द्वारा फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। विजय अपने किरदार के लिए ग्रे शेड हेयर स्टाइल उन्होंने रखा है जो कि बिल्कुल ही पहले के फिल्म के बनिस्पत अलग दिखे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया, क्योंकि उसके लुक को यानी कि हेयर स्टाइल को भी बहुत सारे टेस्ट के बाद ही चुना गया कि ये हेयर स्टाइल बिल्कुल ही इस लियो के लिए सटीक बैठेगा। तीसा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। घिल्ली, थिरुपाची, आथी और कुरुवी के बाद पांचवी बार विजय के साथ इन्होंने अपनी जोड़ी बनाई है। संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की पहली फिल्म के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 जो कि 2022 में आई थी के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होकर संजय दत्त इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए। प्रिया आनंद भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल हुई है, जबकि अर्जुन सरजा को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। उन्होंने इसे अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को उचित ठहराएगा। मैडोना सेबेस्टियन मैसेस्किन, सैंडी मास्टर, गौतम वासुदेव मेनन, मंसूर अली खान प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मैथ्यू थॉमस भी इस फिल्म से अपना तमिल डेब्यू करेंगे। जनवरी 2023 के अंत में प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके समावेशन की पुष्टि की गई थी। मनोबाला और जननी पुनासिलन फिल्म की प्रारंभिक शूटिंग में उपस्थित थे, जिससे फिल्म में उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। इस फिल्म के साथ वह एक फीचर फिल्म में अपने अभिनय की शुरुआत की है। जॉर्ज मैरिन को भी मुहूर्त पूजा में दिखाया गया, जिससे उनके शामिल होने की पुष्टि हो गई। अभिरामी वेंकट चलम और बाबू एंटनी को भी फिल्म के कश्मीर शेड्यूल में भाग लेने के बाद पुष्टि की गई कि वो भी इस फिल्म के हिस्सा होंगे। मनोबाला की 3 मई 2023 को बिना किसी दृश्य की शूटिंग के मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस फिल्म की जो फोटोग्राफी की गई या फिल्माया गया, वो कहाँ कहाँ फिल्माया गया, उसका सारांश जो है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाई कनाल में आयोजित किए गए थे और मैसेस्किन ने अपने कुछ हिस्सों की शूटिंग वहां की थी, क्योंकि वह कश्मीर की यात्रा के लिए तारीखें आवंटित नहीं कर सके थे, जहां अगला कार्यक्रम होगा। दूसरा शेड्यूल 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुआ। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया और वायरल हो गया, जिसके बाद फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा भागीदार ने लोगों को लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें
हटा दिया जाएगा। इसके अलावा शूटिंग से तस्वीरें और वीडियो लीक होने से रोकने के लिए अधिकांश कलाकारों और क्रू सदस्यों को सेट पर मोबाइल फोन का उपयोग करने से बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। 27 फरवरी 2023 को मैसस्किन ने ट्वीट किया कि उन्होंने फिल्म के लिए अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा कर लिया है, जिसमें एक गहन स्टंट अनुक्रम शामिल था। मार्च की शुरुआत में मेनन ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। महत्वपूर्ण हिस्सों को शूट करने के लिए मनोज परमहंस एक आईमैक्स प्रमाणित रेड वी रैप्टर 8K कैमरा लाए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए पहली बार था। 11 मार्च को संजय दत्त ने कश्मीर शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू की और उन्हें 6 दिनों के भीतर पूरा किया। 21 मार्च को स्थान पर मामूली भूकंप के कारण फिल्मांकन रोक दिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से शुरू हो गया। इस शेड्यूल में 10 करोड़ की लागत से बना एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था, जिसमें एक लकड़बग्घा भी शामिल था। विजय ने केवल एक साधारण पतली शर्ट के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद उन्हें बर्फ पर लौटना पड़ा। उनके शर्टलेस होने का एक दृश्य भी फिल्माया गया था। कश्मीर कार्यक्रम 23 मार्च को समाप्त हो गया। स्टूडियो ने लियो के दल को श्रद्धांजलि के रूप में उस दिन कश्मीर शेड्यूल का एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया, जिन्होंने -5 से -6 डिग्री सेल्सियस में पर्दे के पीछे काम किया। निर्देशक ने कश्मीर शेड्यूल को पूरा करने के लिए क्रू के प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद दिया। टीम ने इस शेड्यूल में डल झील, हजरत बल श्राइन, सोन मार्ग, पहलगाम और श्रीनगर में शूटिंग की। तीसरा शेड्यूल 29 मार्च को चेन्नई में शुरू करने का इरादा था, लेकिन 5 अप्रैल को यह जाकर शुरू हुआ, लगभग एक सप्ताह बाद। इस शेड्यूल के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा। विजय, संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन, अर्जुन सरजा और प्रिया आनंद के साथ समवर्ती कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जिसके 17 दिनों तक चलने की सूचना है। कुछ एक्शन दृश्यों को मोको बैट कैमरे से शूट किया गया था। त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त और अर्जुन सरजा मई से फिल्म की फिर से वो शूटिंग उन्होंने शुरू की। लोकेश कनगराज ने कम से कम 2000 पृष्ठभूमि कलाकारों को शामिल करते हुए एक परिचयात्मक गीत अनुक्रम शूट करने की भी योजना बनाई। इस गाने की शूटिंग जून की शुरुआत में चेन्नई में 500 पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ की गई थी। निर्माताओं ने 7 दिनों तक गाने की शूटिंग के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। परमहंस ने उच्च रिजोल्यूशन में एक्शन दृश्यों को शूट करने के लिए एक कोमोडो एक्स कैमरा खरीदा। इस प्रकार इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। जून के अंत में उत्पादन ताला कोना में स्थानांतरित हो गया। अंतिम शेड्यूल हैदराबाद में और क्लाइमेक्स भाग रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया। विजय ने 10 जुलाई तक अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। मुख्य फोटोग्राफी 14 जुलाई 2023 तक पूरी हो गई थी। फिल्मांकन 125 कार्य दिवसों तक चला। लगभग 4 महीने तक इसकी शूटिंग चली। 1 महीने बाद
टीम पैचवर्क फिल्मांकन के लिए कश्मीर लौट आई थी। फरवरी 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि लोकेश कनगराज CGI पर समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिल्म को विस्तारित पोस्ट प्रोडक्शन समय मिल गया। विजय ने जुलाई 2023 की शुरुआत में अपने सेगमेंट के लिए डबिंग शुरू की और 10 जुलाई को इसे पूरा कर दिया। मुनेश एच और वी श्रीनिवास मोहन फिल्म के प्रमुख विजुअल इफेक्ट स्टूडियो मूविंग पिक्चर कंपनी अल जारा VFX और स्काई हाई VFX के साथ दृश्य प्रभाव परीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। फिल्म का डिजिटल इंटरमीडिएट और कलर ग्रेडिंग का काम अगस्त 2023 के अंत में शुरू हुआ था। चिन्मय श्रीपदा ने फिल्म के तमिल, तेलुगु और कन्नड़ संस्करणों के लिए तृष्णा कृष्णन के लिए डब किया था। दोस्तों, इसके संगीत की बात की जाए तो साउंड ट्रैक अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित की गई है। कथी 2014, मास्टर 2021 और विश्व 2022 के बाद विजय के साथ उनके चौथे सहयोग में मास्टर 2021 और विक्रम 2022 के बाद लोकेश कनगराज के साथ यह उनका तीसरा सहयोग है। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 16 करोड़ में खरीदे गए थे। ऑडियो लॉन्च 30 सितंबर 2023 को नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में सुरक्षा बाधाओं के अलावा पास के लिए लगातार अनुरोधों के कारण 27 सितंबर 2023 को रद्द कर दिया गया था। ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 16 सितंबर 2023 को 11वें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में लोकेश कनगराज ने घोषणा की कि फिल्म अपडेट अगले दिन से शुरू हो जाएंगे। लियो का आधिकारिक माल 17 सितंबर 2023 को विलेवोस द्वारा लॉन्च किया गया था। लियो ब्लडी स्वीट प्रोमो 3 फरवरी 2023 को ही रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म के शीर्षक का खुलासा भी किया गया। फर्स्ट लुक पोस्टर 22 जून 2023 को जारी किया गया था और ट्विटर पर 24 घंटों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फर्स्ट लुक बन गया। 17 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ तेलुगु पोस्टर 32 मिनट में इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन लाइक तक पहुंचने वाला किसी भारतीय फिल्म का सबसे तेज पोस्टर बन गया। 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर 4 भाषाओं में 47 मिलियन व्यूज के साथ 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तमिल ट्रेलर बन गया। इसे 21 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स, 7 घंटों में 2 मिलियन लाइक्स और 24 घंटों में 3.7 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले। यह उपलब्धि हासिल करने वाला सबसे तेज फिल्म का ये ट्रेलर बन गया। दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज कैसे कैसे किया गया, किस तारीख को किया गया, इसमें क्या क्या परेशानी हुई, ये सारे फैक्ट्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को IMAX और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किया गया है, यानी कि पैन इंडिया के तौर पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। फिल्म का हल्का संपादित संस्करण यूके में 15+ रेटिंग के साथ नाटकीय रूप से जारी किया गया। हालांकि यूके में 26 अक्टूबर को रिलीज के लिए एक अनकट 18 रेटेड संस्करण को भी मंजूरी दे दी गई थी। लियो यूके में IMAX प्रारूप में रिलीज होने वाली विजय की पहली फिल्म थी। यह पहली तमिल फिल्म थी जो अन्य प्रमुख देशों की तरह बांग्लादेश में भी
उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन दुनिया भर में ये। दोस्तों तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल्डन ग्लोब फिल्म्स में। तो ये कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। लियो जो कि ब्लडी स्वीट के रूप में पूरे देश में इसको वितरण किया गया है। यह एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनकराज द्वारा निर्देशित और SS ललित कुमार और जगदीश पलानी सामी द्वारा निर्मित है। इसमें विजय के साथ संजय दत्त, अर्जुन, त्रिशा, मैडोना, सेबेस्टियन, गौतम वासुदेव मेनन, मैसस्किन, मंसूर अली खान, जॉर्ज मैरिन, प्रिया आनंद और मैथ्यू थॉमस मुख्य भूमिका में है। यह लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस 2005 से प्रेरित है जो इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थाई शीर्षक थालापट्टी 67 के तहत की गई थी क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 67वीं फिल्म है और इसी कारण से इसका शीर्षक थालापट्टी 67 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कश्मीर में एक हिट फुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई जिसके बाद फिर से पूर्व स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को दुनिया भर में 19 अक्टूबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिर्ची समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया है। यह लियो जो है यह बहुत ही अच्छी कहानी पर जो कि सच्ची कहानी है उस पर यह निर्भर है। पार्थी एक पशु बचावकर्ता और ठियोग में एक कैफे का मालिक है जो अपनी पत्नी सत्या और दो बच्चों सिद्धार्थ यानी कि सिद्धू और माथी यानी चिंटू के साथ खुशी से रह रहा है। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रियोज जो कि एक वन रेंजर है उसे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद के लिए बुलाता है। सिद्धू की माँ मदद से पार्थी लकड़बग्घे को शांत करने और शहर वासियों को बचाने में सफल हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा के शांत हो जाने पर उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और माथी कैफे में थे तभी सनमुगम नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर और उसके आदमी कैफे को लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है लेकिन गिरोह का एक सदस्य एक महिला कर्मचारी पर चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक ने माथी को मारने का प्रयास किया तो पार्थी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार दी, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से वह टूट गया। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छप गई। ऐसे ही एक छवि तेलंगाना में हेराल्ड दास नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर को दिखाई देती है जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में सूचित करता है। इसी बीच सनमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि नेपोलियन को हाल ही में दिल्ली के साथ उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था। उसके परिवार की रक्षा करने का उसे काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है
जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त इरुधिये राज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। इरुधिये राज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। जब वो लियो के अतीत के बारे में बताता है, उसके बाद फिल्म में पूर्ण रूप फ्लैशबैक में कहानी चलना शुरू हो जाती है। तो अतीत की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेराल्ड कनाडा से लौटे और दवाओं की तस्करी शुरू कर दी, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पाद चलन में नहीं थे। एंटनी के जुड़वा बच्चों लियो और एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही गंदा काम किया। तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलता, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के पूर्ण रूपेण काबू में हो गया था और इसी तंत्र मंत्र को लेकर वो बलि देने वाली प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया। क्रोधित होकर लियो ने हेराल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेराल्ड एलिसा को मारने में कामयाब रहा और एंटनी ने लियो को गोली मार दी, जिसे तब से मृत मान लिया गया था। यह सुनकर जोशी को यकीन हो गया कि पार्थी लियो नहीं है, जबकि सत्या को भी इसका पक्का सबूत मिल गया। इस बीच एंटनी ने सिद्धू का अपहरण कर लिया और उससे कहा कि वह सिद्धू की बलि दे देगा, क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि नहीं दे सकता। पार्थी और नेपोलियन एंटनी और उसके आदमी का पीछा करते हैं। पार्थी अंततः उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हेराल्ड को एंटनी की मौत के बारे में पता चलता है और वह पार्थी को सिद्धू के बंगले बदले में एंटनी का शव लाने के लिए बुलाता है। जैसे ही पार्थी हेराल्ड की मांद में जाता है, हेराल्ड को पता चल जाता है कि उसने सत्य और माथी को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि नेपोलियन, जोशी और लकड़बग्घे ने सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। हेराल्ड के आदमी उनकी मांद में पार्थी पर हमला करते हैं, जो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। हेराल्ड और पार्थी के बीच लड़ाई हो जाती है, जहां पार्थी एक बंदूक पकड़ लेता है और हेराल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस बिंदु पर हेराल्ड स्वीकार करता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि पार्थी हंसने लगता है और अंततः हेराल्ड को गोली मारने और पूरे दास एंड कंपनी कारखाने को विस्फोट से उड़ाने से पहले स्वीकार करता है कि वह लियो है। लियो का कहना है कि उसने अपने अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और जो कोई भी उसका इतिहास जानता है उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, पार्थी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन में लौटता है, जहां उसे एक फोन आता है। कॉल करने वाले ने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्थी लियो है और उसे बताता है कि केवल उसके परिवार की फैक्ट्री को नष्ट करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ड्रग्स पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कॉल करने वाला यह भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थी उसकी पहचानता है, क्योंकि पार्थी
गुस्से में आ भरता है। तो दोस्तों इसमें विजय जो है लियो दास यानी कि पार्थिवन, पार्थी के रूप में, लियो के रूप में भी और पार्थी के रूप में, दोनों रूप में विजय ने काम किया है। एंटनी दास लियो और एलिसा के पिता के रूप में संजय दत्त है, जो कि हेराल्ड दास का बड़ा भाई के रूप में उन्होंने काम किया है। हेराल्ड दास लियो और एलिसा के चाचा के रूप में अर्जुन ने काम किया है, जो कि एंटनी का छोटा भाई है। त्रिशा कृष्णन सत्या के रूप में और पार्थिवन की पत्नी यानी चिन्मय श्रीपदा द्वारा डब की गई आवाज में वो काम किए हैं। गौतम वासुदेव मेनन वन रेंजर जोशी एंड्रयूज के रूप में उन्होंने काम किया है। जॉर्ज मैरियन नेपोलियन के रूप में है। लियो की जुड़वा बहन एलिसा दास के रूप में मैडोना सेबेस्टियन ने काम किया है। प्रिया आनंद प्रिया जोशी एंड्रयूज जोशी की पत्नी के रूप में उन्होंने काम किया है। सिद्धार्थ सिद्धू पार्थिवन और सत्य के बेटे के रूप में मैथ्यू थॉमस है। याल मथी चिंटू पार्थिवन और सत्या की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। हृदय राज डिसूजा लियो के विश्वास पात्र और मित्र के रूप में मंसूर अली खान ने काम किया है। एंटनी के गुर्गे के रूप में बाबू एंटनी है। सनमुगम के रूप में मैसस्किन है। सनमुगम की पत्नी के रूप में शांति मास्टर है। सनमुगम के गिरोह में सैंडी मास्टर एक डाकू है। सनमुगम के बहनोई के रूप में मधुसूदन राव है। जननी कुनासिरन श्रुति के रूप में है और श्रुति के पति के रूप में सचिन मणि ने काम किया है। जज के रूप में डेंजिल स्मिथ ने काम किया है। पार्थिवन के वकील के रूप में शांति माया देवी है। लोक अभियोजक के रूप में लीला सैमसन है। गैबी के रूप में रामकृष्णन वैयापुरी एक जिप्सी के रूप में दिनेश मास्टर दिनेश के रूप में जवाहर एक पशु चिकित्सक के रूप में डैनियल के रूप में अनुराग कश्यप है, जो कि उनकी कैमियो उपस्थिति है लेकिन बिल्कुल ही उनका छोटा रोल है। माया एस कृष्णन एक अनुरक्षक के रूप में, जो कि उनका भी एक कैमियो उपस्थिति है। एजेंट विक्रम के रूप में कमल हसन है, जो कि कमल हसन कैमियो में भी आते नहीं है लेकिन सिर्फ उनकी आवाज अंत में सुनाई पड़ती है। दोस्तों ये 2021 की शुरुआत में मास्टर फिल्म की सफलता के बाद यह बताया गया कि लोकेश कनक राज ने विजय से उनके आवास पर मुलाकात की और एक स्क्रिप्ट सुनाई जिससे वह प्रभावित हुए। यह परियोजना एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनेता की 66वीं फिल्म मानी जाती थी, जो कि मास्टर फिल्म थी, यानी कि 66वीं फिल्म उनकी जो हुई ये फिल्म थी लियो। हालांकि इसके बजाय वह पद वारिसु, जो कि 2023 में ही रिलीज हुई थी, ये उन्हें मिल गया। लोकेश और विजय के बीच संभावित सहयोग की खबरें फरवरी 2022 तक जारी रहीं। अगले मार्च में लोकेश ने पुष्टि की कि विजय की 66वीं फिल्म का निर्देशन करने के लिए उनके साथ चर्चा हुई थी। उस मई में उन्होंने इस परियोजना की पुष्टि की, जिसका अस्थायी शीर्षक थलापट्टी 67 था। इस परियोजना को एसएस ललित कुमार के 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने मास्टर का वितरण और सह निर्माण किया था। विजय के मैनेजर जगदीश पलानी सामी ने सह निर्माता के रूप में इसमें काम किया है। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 30 जनवरी 2023 को एक सार्वजनिक घोषणा की और फिल्म का आधिकारिक शीर्षक लियो 3 फरवरी 2023 को सामने आया। फिल्म की बजट जो है वो लगभग 250 से 350 करोड़ रुपए के
बजट पर बनाई गई है और विजय को पारिश्रमिक के रूप में लगभग 120 करोड़ रुपए प्राप्त होने की ये सूचना है। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर फिल्म के निर्माण को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व साझाकरण मॉडल अपनाने का फैसला किया। आधार के अनुसार उन्हें अग्रिम के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और मुनाफे का एक हिस्सा अभिनेता के पारिश्रमिक के रूप में उन्हें प्राप्त हुए हैं। विजय लियो को एक अखिल भारतीय फिल्म बनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वह तमिल दर्शकों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हालांकि ललित और जगदीश के समझाने के बाद अभिनेता ने अपना मन बदल लिया। फिल्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए मूल कहानी में भी कुछ बदलाव किए गए। अगस्त 2023 में फिल्म को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने की सूचना मिली थी क्योंकि निर्माताओं ने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेखन और प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनगराज को लगभग 6 महीने लग गए और जिल जंग जुक जो कि 2016 में फिल्म आई थी के निर्देशक धीरज वैद्य के साथ लगातार तीसरे सहयोग में रत्ना कुमार के साथ फिल्म की पटकथा लिखी गई। वे दोनों अगस्त 2022 के मध्य में लेखन टीम में शामिल हुए। लोकेश कनगराज ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से उनकी शैली में ही बनाई जाएगी। मास्टर फिल्म के विपरीत जिसे वह 50% विजय फिल्म और 50% अपनी फिल्म मानते हैं। 5 दिसंबर 2022 को चेन्नई के एबीएम स्टूडियो में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई। 7 दिसंबर को टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। जनवरी 2023 के मध्य में मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया जो नानबन 2012 में आई थी और बिस्ट जो कि विजय की फिल्म है 2022 में आई थी के बाद लोकेश कनगराज के साथ उनका पहला और विजय के साथ तीसरा सहयोग था। अनिरुद्ध रविचंद्र निर्देशक के साथ अपनी लगातार तीसरी फिल्म में वो संगीत दिए हैं। लोकेश कनगराज ने संपादक फिरोमिन राज स्टंट कोरियोग्राफी जोड़ी अनबरीव नृत्य कोरियोग्राफर दिनेश कुमार और कला निर्देशक एन सतीश कुमार सहित अपने अधिकांश मानक तकनीशियनों को बिल्कुल ही बरकरार रखा। प्रवीण राजा अपनी नियमित पोशाक डिजाइनर पल्लवी सिंह और एका लखानी के साथ विजय के लिए पोशाकें तैयार की है। राम कुमार बालासुब्रमण्यम को प्रोडक्शन हाउस द्वारा फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। विजय अपने किरदार के लिए ग्रे शेड हेयर स्टाइल उन्होंने रखा है जो कि बिल्कुल ही पहले के फिल्म के बनिस्पत अलग दिखे जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया क्योंकि उसके लुक को यानी कि हेयर स्टाइल को भी बहुत सारे टेस्ट के बाद ही चुना गया कि ये हेयर स्टाइल बिल्कुल ही इस लियो के लिए सटीक बैठेगा। तीसा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। घिल्ली थिरुपाची आथी और कुरुवी के बाद पांचवी बार विजय के साथ इन्होंने अपनी जोड़ी बनाई है। संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की पहली फिल्म के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2
जो कि 2022 में आई थी, के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होकर संजय दत्त इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए। प्रिया आनंद भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल हुई है, जबकि अर्जुन सरजा को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। उन्होंने इसे अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को उचित ठहराएगा। मैडोना सेबेस्टियन मैसेस्किन, सैंडी मास्टर, गौतम वासुदेव मेनन, मंसूर अली खान प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मैथ्यू थॉमस भी इस फिल्म से अपना तमिल डेब्यू करेंगे। जनवरी 2023 के अंत में प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके समावेशन की पुष्टि की गई थी। मनोबाला और जननी पुनासिलन फिल्म की प्रारंभिक शूटिंग में उपस्थित थे, जिससे फिल्म में उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। इस फिल्म के साथ वह एक फीचर फिल्म में अपने अभिनय की शुरुआत की है। जॉर्ज मैरिन को भी मुहूर्त पूजा में दिखाया गया, जिससे उनके शामिल होने की पुष्टि हो गई। अभिरामी वेंकट चलम और बाबू एंटनी को भी फिल्म के कश्मीर शेड्यूल में भाग लेने के बाद पुष्टि की गई कि वो भी इस फिल्म के हिस्सा होंगे। मनोबाला की 3 मई 2023 को बिना किसी दृश्य की शूटिंग के मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस फिल्म की जो फोटोग्राफी की गई या फिल्माया गया, वो कहाँ कहाँ फिल्माया गया, उसका सारांश जो है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाई कनाल में आयोजित किए गए थे और मैसेस्किन ने अपने कुछ हिस्सों की शूटिंग वहां की थी, क्योंकि वह कश्मीर की यात्रा के लिए तारीखें आवंटित नहीं कर सके थे, जहां अगला कार्यक्रम होगा। दूसरा शेड्यूल 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुआ। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया और वायरल हो गया, जिसके बाद फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा भागीदार ने लोगों को लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके अलावा शूटिंग से तस्वीरें और वीडियो लीक होने से रोकने के लिए अधिकांश कलाकारों और क्रू सदस्यों को सेट पर मोबाइल फोन का उपयोग करने से बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। 27 फरवरी 2023 को मैसेस्किन ने ट्वीट किया कि उन्होंने फिल्म के लिए अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा कर लिया है, जिसमें एक गहन स्टंट अनुक्रम शामिल था। मार्च की शुरुआत में मेनन ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। महत्वपूर्ण हिस्सों को शूट करने के लिए मनोज परमहंस एक IMAX प्रमाणित रेड वी रैप्टर 8K कैमरा लाए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए पहली बार था। 11 मार्च को संजय दत्त ने कश्मीर शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू की और उन्हें 6 दिनों के भीतर पूरा किया। 21 मार्च को स्थान पर मामूली भूकंप के कारण फिल्मांकन रोक दिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से शुरू हो गया। इस शेड्यूल में 10 करोड़ की लागत से बना एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था, जिसमें एक लकड़बग्घा भी शामिल था।
विजय ने केवल एक साधारण पतली शर्ट के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद उन्हें बर्फ पर लौटना पड़ा। उनके शर्टलेस होने का एक दृश्य भी फिल्माया गया था। कश्मीर कार्यक्रम 23 मार्च को समाप्त हो गया। स्टूडियो ने लियो के दल को श्रद्धांजलि के रूप में उस दिन कश्मीर शेड्यूल का एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया, जिन्होंने -5 से -6 डिग्री सेल्सियस में पर्दे के पीछे काम किया। निर्देशक ने कश्मीर शेड्यूल को पूरा करने के लिए क्रू के प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद दिया। टीम ने इस शेड्यूल में डल झील, हजरत बल श्राइन, सोन मार्ग, पहलगाम और श्रीनगर में शूटिंग की। तीसरा शेड्यूल 29 मार्च को चेन्नई में शुरू करने का इरादा था, लेकिन 5 अप्रैल को यह जाकर शुरू हुआ, लगभग एक सप्ताह बाद। इस शेड्यूल के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा। विजय, संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन, अर्जुन सरजा और प्रिया आनंद के साथ समवर्ती कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जिसके 17 दिनों तक चलने की सूचना है। कुछ एक्शन दृश्यों को मोको बैट कैमरे से शूट किया गया था। त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त और अर्जुन सरजा मई से फिल्म की फिर से वो शूटिंग उन्होंने शुरू की। लोकेश कनगराज ने कम से कम 2000 पृष्ठभूमि कलाकारों को शामिल करते हुए एक परिचयात्मक गीत अनुक्रम शूट करने की भी योजना बनाई। इस गाने की शूटिंग जून की शुरुआत में चेन्नई में 500 पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ की गई थी। निर्माताओं ने 7 दिनों तक गाने की शूटिंग के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। परमहंस ने उच्च रिजोल्यूशन में एक्शन दृश्यों को शूट करने के लिए एक कोमोडो एक्स कैमरा खरीदा। इस प्रकार इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। जून के अंत में उत्पादन ताला कोना में स्थानांतरित हो गया। अंतिम शेड्यूल हैदराबाद में और क्लाइमेक्स भाग रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया। विजय ने 10 जुलाई तक अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। मुख्य फोटोग्राफी 14 जुलाई 2023 तक पूरी हो गई थी। फिल्मांकन 125 कार्य दिवसों तक चला। लगभग 4 महीने तक इसकी शूटिंग चली। 1 महीने बाद टीम पैचवर्क फिल्मांकन के लिए कश्मीर लौट आई थी। फरवरी 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि लोकेश कनगराज CGI पर समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिल्म को विस्तारित पोस्ट प्रोडक्शन समय मिल गया। विजय ने जुलाई 2023 की शुरुआत में अपने सेगमेंट के लिए डबिंग शुरू की और 10 जुलाई को इसे पूरा कर दिया। मुनेश एच और वी श्रीनिवास मोहन फिल्म के प्रमुख विजुअल इफेक्ट स्टूडियो मूविंग पिक्चर कंपनी अल जरा VFX और स्काई हाई VFX के साथ दृश्य प्रभाव परीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। फिल्म का डिजिटल इंटरमीडिएट और कलर ग्रेडिंग का काम अगस्त 2023 के अंत में शुरू हुआ था। चिन्मय श्रीपदा ने फिल्म के तमिल, तेलुगु और कन्नड़ संस्करणों के लिए त्रिशा कृष्णन के लिए डब किया था। दोस्तों, इसके संगीत की बात की जाए तो साउंड ट्रैक अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित की गई है। कथी 2014, मास्टर 2021 और बिष्ट 2022 के बाद विजय के साथ उनके चौथे सहयोग में
मास्टर 2021 और विक्रम 2022 के बाद लोकेश कनगराज के साथ यह उनका तीसरा सहयोग है। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 16 करोड़ में खरीदे गए थे। ऑडियो लॉन्च 30 सितंबर 2023 को नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में सुरक्षा बाधाओं के अलावा पास के लिए लगातार अनुरोधों के कारण 27 सितंबर 2023 को रद्द कर दिया गया था। ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 16 सितंबर 2023 को 11वें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में लोकेश कनगराज ने घोषणा की कि फिल्म अपडेट अगले दिन से शुरू हो जाएंगे। लियो का आधिकारिक माल 17 सितंबर 2023 को विलेवोस द्वारा लॉन्च किया गया था। लियो ब्लडी स्वीट प्रोमो 3 फरवरी 2023 को ही रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म के शीर्षक का खुलासा भी किया गया। फर्स्ट लुक पोस्टर 22 जून 2023 को जारी किया गया था और ट्विटर पर 24 घंटों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फर्स्ट लुक बन गया। 17 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ तेलुगु पोस्टर 32 मिनट में इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन लाइक तक पहुंचने वाला किसी भारतीय फिल्म का सबसे तेज पोस्टर बन गया। 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर 4 भाषाओं में 47 मिलियन व्यूज के साथ 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तमिल ट्रेलर बन गया। इसे 21 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स, 7 घंटों में 2 मिलियन लाइक्स और 24 घंटों में 3.7 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले। यह उपलब्धि हासिल करने वाला सबसे तेज फिल्म का ये ट्रेलर बन गया। दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज कैसे कैसे किया गया, किस तारीख को किया गया, इसमें क्या क्या परेशानी हुई, ये सारे फैक्ट्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किया गया है, यानी कि पैन इंडिया के तौर पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। फिल्म का हल्का संपादित संस्करण यूके में 15+ रेटिंग के साथ नाटकीय रूप से जारी किया गया। हालांकि यूके में 26 अक्टूबर को रिलीज के लिए एक अनकट 18 रेटेड संस्करण को भी मंजूरी दे दी गई थी। लियो यूके में आईमैक्स प्रारूप में रिलीज होने वाली विजय की पहली फिल्म थी। यह पहली तमिल फिल्म थी जो अन्य प्रमुख देशों की तरह बांग्लादेश में भी उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन दुनिया भर में ये। दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल्डन ग्लोब फिल्म्स में। तो ये कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। लियो जो कि ब्लडी स्वीट के रूप में पूरे देश में इसको वितरण किया गया है। यह एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनकराज द्वारा निर्देशित और SS ललित कुमार और जगदीश पलानी स्वामी द्वारा निर्मित है। इसमें विजय के साथ संजय दत्त, अर्जुन, त्रिशा, मैडोना, सेबेस्टियन, गौतम वासुदेव मेनन, मैसस्किन, मंसूर अली खान, जॉर्ज मैरिन, प्रिया आनंद और मैथ्यू थॉमस मुख्य भूमिका में है। यह लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और ये हिस्ट्री ऑफ वायलेंस 2005 से प्रेरित है, जो इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थाई शीर्षक थालापट्टी 67 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 67वीं फिल्म है और इसी कारण से इसका शीर्षक थालापट्टी 67 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कश्मीर में एक हिट पुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूर्व स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने किया है और संपादन
फिलोमिन राज ने किया है। लियो को दुनिया भर में 19 अक्टूबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिर्ची समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया है। यह लियो जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी पर, जो कि सच्ची कहानी है, उस पर यह निर्भर है। पार्थिबन, यानी पार्थी एक पशु बचावकर्ता और ठियोग में एक कैफे का मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या और दो बच्चों सिद्धार्थ यानी कि सिद्धू और माथी यानी चिंटू के साथ खुशी से रह रहा है। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रियोज, जो कि एक वन रेंजर है, उसे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद के लिए बुलाता है। सिद्धू की माँ मदद से पार्थी लकड़बग्घे को शांत करने और शहर वासियों को बचाने में सफल हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा के शांत हो जाने पर उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और माथी कैफे में थे, तभी सनमुगम नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर और उसके आदमी कैफे को लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य एक महिला कर्मचारी पर चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक ने माथी को मारने का प्रयास किया तो पार्थी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार दी, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से वह टूट गया। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छप गई। ऐसे ही एक छवि तेलंगाना में हेराल्ड दास नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर को दिखाई देती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में सूचित करता है। इसी बीच सनमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि नेपोलियन को हाल ही में दिल्ली के साथ उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था। उसके परिवार की रक्षा करने का उसे काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है, जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त इरुधिये राज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। इरुधिये राज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। जब वो लियो के अतीत के बारे में बताता है, उसके बाद फिल्म में पूर्ण रूपेण फ्लैशबैक में कहानी चलना शुरू हो जाती है। तो अतीत की कहानी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेराल्ड कनाडा से लौटे और दवाओं की तस्करी शुरू कर दी, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पाद चलन में नहीं थे। एंटनी के जुड़वा बच्चों लियो और एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही गंदा काम किया। तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलता, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के पूर्ण रूपेण
काबू में हो गया था और इसी तंत्र मंत्र को लेकर वो बलि देने वाली प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया। क्रोधित होकर लियो ने हेराल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेराल्ड एलिसा को मारने में कामयाब रहा और एंटनी ने लियो को गोली मार दी, जिसे तब से मृत मान लिया गया था। यह सुनकर जोशी को यकीन हो गया कि पार्थी लियो नहीं है, जबकि सत्या को भी इसका पक्का सबूत मिल गया। इस बीच एंटनी ने सिद्धू का अपहरण कर लिया और उससे कहा कि वह सिद्धू की बलि दे देगा, क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि नहीं दे सकता। पार्थी और नेपोलियन एंटनी और उसके आदमी का पीछा करते हैं। पार्थी अंततः उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हेराल्ड को एंटनी की मौत के बारे में पता चलता है और वह पार्थी को सिद्धू के बंगले बदले में एंटनी का शव लाने के लिए बुलाता है। जैसे ही पार्थी हेराल्ड की मांद में जाता है, हेराल्ड को पता चल जाता है कि उसने सत्य और माथी को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि नेपोलियन, जोशी और लकड़बग्घे ने सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। हेराल्ड के आदमी उनकी मांद में पार्थी पर हमला करते हैं, जो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। हेराल्ड और पार्थी के बीच लड़ाई हो जाती है, जहां पार्थी एक बंदूक पकड़ लेता है और हेराल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस बिंदु पर हेराल्ड स्वीकार करता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि पार्थी हंसने लगता है और अंततः हेराल्ड को गोली मारने और पूरे दास एंड कंपनी कारखाने को विस्फोट से उड़ाने से पहले स्वीकार करता है कि वह लियो है। लियो का कहना है कि उसने अपने अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और जो कोई भी उसका इतिहास जानता है उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, पार्थी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन में लौटता है, जहां उसे एक फोन आता है। कॉल करने वाले ने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्थी लियो है और उसे बताता है कि केवल उसके परिवार की फैक्ट्री को नष्ट करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ड्रग्स पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कॉल करने वाला यह भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थी उसकी पहचानता है, क्योंकि पार्थी गुस्से में आह भरता है। तो दोस्तों, इसमें विजय जो है लियो दास यानी कि पार्थिवन, पार्थी के रूप में, लियो के रूप में भी और पार्थी के रूप में, दोनों रूप में विजय ने काम किया है। एंटनी दास लियो और एलिसा के पिता के रूप में संजय दत्त है, जो कि हेराल्ड दास का बड़ा भाई के रूप में उन्होंने काम किया है। हेराल्ड दास लियो और एलिसा के चाचा के रूप में अर्जुन ने काम किया है, जो कि एंटनी का छोटा भाई है। त्रिशा कृष्णन सत्या के रूप में और पार्थिवन की पत्नी यानी चिन्मय श्रीपदा द्वारा डब की गई आवाज में वो काम किए हैं। गौतम वासुदेव मेनन वन रेंजर जोशी एंड्रयूज के रूप में उन्होंने काम किया है। जॉर्ज मैरियन नेपोलियन के रूप में है। लियो की जुड़वा बहन एलिसा दास के रूप में मैडोना सेबेस्टियन ने काम किया है। प्रिया आनंद प्रिया जोशी एंड्रयूज जोशी की पत्नी के रूप में उन्होंने काम किया है। सिद्धार्थ सिद्धू पार्थिवन और सत्य के बेटे के रूप में मैथ्यू थॉमस है। याल मथी चिंटू
पार्थिवन और सत्या की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। हृदय राज डिसूजा लियो के विश्वास पात्र और मित्र के रूप में मंसूर अली खान ने काम किया है। एंटनी के गुर्गे के रूप में बाबू एंटनी है। सनमुगम के रूप में मैसस्किन है। सनमुगम की पत्नी के रूप में शांति मास्टर है। सनमुगम के गिरोह में सैंडी मास्टर एक डाकू है। सनमुगम के बहनोई के रूप में मधुसूदन राव है। जननी कुनासिरन श्रुति के रूप में है और श्रुति के पति के रूप में सचिन मणि ने काम किया है। जज के रूप में डेंजिल स्मिथ ने काम किया है। पार्थिवन के वकील के रूप में शांति माया देवी है। लोक अभियोजक के रूप में लीला सैमसन है। गैबी के रूप में रामकृष्णन। वैयापुरी एक जिप्सी के रूप में दिनेश मास्टर दिनेश के रूप में। जवाहर एक पशु चिकित्सक के रूप में। डैनियल के रूप में अनुराग कश्यप है जो कि उनकी कैमियो उपस्थिति है, एक बिल्कुल ही उनका छोटा रोल है। माया एस कृष्णन एक अनुरक्षक के रूप में जो कि उनका भी एक कैमियो उपस्थिति है। एजेंट विक्रम के रूप में कमल हसन है जो कि कमल हसन कैमियो में भी आते नहीं है लेकिन सिर्फ उनकी आवाज अंत में सुनाई पड़ती है। दोस्तों ये 2021 की शुरुआत में मास्टर फिल्म की सफलता के बाद यह बताया गया कि लोकेश कनक राज ने विजय से उनके आवास पर मुलाकात की और एक स्क्रिप्ट सुनाई जिससे वह प्रभावित हुए। यह परियोजना एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनेता की 66वीं फिल्म मानी जाती थी जो कि मास्टर फिल्म थी, यानी कि 66वीं फिल्म उनकी जो हुई ये फिल्म थी लियो। हालांकि इसके बजाय वह पद वारिसु जो कि 2023 में ही रिलीज हुई थी ये उन्हें मिल गया। लोकेश और विजय के बीच संभावित सहयोग की खबरें फरवरी 2022 तक जारी रहीं। अगले मार्च में लोकेश ने पुष्टि की कि विजय की 66वीं फिल्म का निर्देशन करने के लिए उनके साथ चर्चा हुई थी। उस मई में उन्होंने इस परियोजना की पुष्टि की जिसका अस्थायी शीर्षक थलापट्टी 67 था। इस परियोजना को एसएस ललित कुमार के 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा वित्त पोषित किया गया था जिसने मास्टर का वितरण और सह निर्माण किया था। विजय के मैनेजर जगदीश पलानी सामी ने सह निर्माता के रूप में इसमें काम किया है। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 30 जनवरी 2023 को एक सार्वजनिक घोषणा की और फिल्म का आधिकारिक शीर्षक लियो 3 फरवरी 2023 को सामने आया। फिल्म की बजट जो है वो लगभग 250 से 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई है और विजय को पारिश्रमिक के रूप में लगभग 120 करोड़ रुपए प्राप्त होने की ये सूचना है। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर फिल्म के निर्माण को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व साझाकरण मॉडल अपनाने का फैसला किया। आधार के अनुसार उन्हें अग्रिम के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और मुनाफे का एक हिस्सा अभिनेता के पारिश्रमिक के रूप में उन्हें प्राप्त हुए हैं। विजय लियो को एक अखिल भारतीय फिल्म बनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वह तमिल दर्शकों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हालांकि ललित और जगदीश के समझाने के बाद अभिनेता ने अपना मन बदल लिया। फिल्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए मूल कहानी में भी कुछ बदलाव किए गए। अगस्त 2023 में फिल्म को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने की सूचना मिली थी क्योंकि निर्माताओं ने
ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेखन और प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनगराज को लगभग 6 महीने लग गए और जिल जंग जुक जो कि 2016 में फिल्म आई थी के निर्देशक धीरज वैद्य के साथ लगातार तीसरे सहयोग में रत्ना कुमार के साथ फिल्म की पटकथा लिखी गई। वे दोनों अगस्त 2022 के मध्य में लेखन टीम में शामिल हुए। लोकेश कनगराज ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से उनकी शैली में ही बनाई जाएगी। मास्टर फिल्म के विपरीत जिसे वह 50% विजय फिल्म और 50% अपनी फिल्म मानते हैं। 5 दिसंबर 2022 को चेन्नई के एबीएम स्टूडियो में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई। 7 दिसंबर को टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। जनवरी 2023 के मध्य में मनोज परमहंस को सिनेमेटोग्राफर के रूप में घोषित किया गया, जो नान बन 2012 में आई थी और बिस्ट जो कि विजय की फिल्म है 2022 में आई थी के बाद लोकेश कनगराज के साथ उनका पहला और विजय के साथ तीसरा सहयोग था। अनिरुद्ध रविचंद्र निर्देशक के साथ अपनी लगातार तीसरी फिल्म में वो संगीत दिए हैं। लोकेश कनगराज ने संपादक फिरोमिन राज स्टंट कोरियोग्राफी जोड़ी अनबरीव नृत्य कोरियोग्राफर दिनेश कुमार और कला निर्देशक एन सतीश कुमार सहित अपने अधिकांश मानक तकनीशियनों को बिल्कुल ही बरकरार रखा। प्रवीण राजा अपनी नियमित पोशाक डिजाइनर पल्लवी सिंह और एका लखानी के साथ विजय के लिए पोशाकें तैयार की है। राम कुमार बालासुब्रमण्यम को प्रोडक्शन हाउस द्वारा फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। विजय अपने किरदार के लिए ग्रे शेड हेयर स्टाइल उन्होंने रखा है जो कि बिल्कुल ही पहले के फिल्म के बनिस्पत अलग दिखे, जिसे 30 अलग अलग लुक के बाद अंतिम रूप दिया गया, क्योंकि उसके लुक को यानी कि हेयर स्टाइल को भी बहुत सारे टेस्ट के बाद ही चुना गया कि ये हेयर स्टाइल बिल्कुल ही इस लियो के लिए सटीक बैठेगा। तीसा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। घिल्ली थिरुपाची आथी और कुरुवी के बाद पांचवी बार विजय के साथ इन्होंने अपनी जोड़ी बनाई है। संजय दत्त को उनकी तमिल फिल्म की पहली फिल्म के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 जो कि 2022 में आई थी के बाद उनकी दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी में से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। फिल्म के लिए सुनाई गई एक पंक्ति से प्रभावित होकर संजय दत्त इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए। प्रिया आनंद भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल हुई हैं, जबकि अर्जुन सरजा को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। उन्होंने इसे अलग और ताजा कहा, जो उनके शीर्षक एक्शन किंग को उचित ठहराएगा। मैडोना सेबेस्टियन मैसेस्किन सैंडी मास्टर गौतम वासुदेव मेनन मंसूर अली खान प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मैथ्यू थॉमस भी इस फिल्म से अपना तमिल डेब्यू करेंगे। जनवरी 2023 के अंत में प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके समावेशन की पुष्टि की गई थी। मनोबाला और जननी पुनासिलन फिल्म की प्रारंभिक शूटिंग में उपस्थित थे, जिससे फिल्म में उनकी उपस्थिति की पुष्टि
हुई। इस फिल्म के साथ वह एक फीचर फिल्म में अपने अभिनय की शुरुआत की है। जॉर्ज मैरिन को भी मुहूर्त पूजा में दिखाया गया, जिससे उनके शामिल होने की पुष्टि हो गई। अभिरामी वेंकट चलम और बाबू एंटनी को भी फिल्म के कश्मीर शेड्यूल में भाग लेने के बाद पुष्टि की गई कि वो भी इस फिल्म के हिस्सा होंगे। मनोबाला की 3 मई 2023 को बिना किसी दृश्य की शूटिंग के मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस फिल्म की जो फोटोग्राफी की गई या फिल्माया गया, वो कहाँ कहाँ फिल्माया गया, उसका सारांश जो है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 जनवरी 2023 को चेन्नई के EVP फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। फिल्म के छोटे हिस्से जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोडाई कनाल में आयोजित किए गए थे और मैसस्किन ने अपने कुछ हिस्सों की शूटिंग वहां की थी, क्योंकि वह कश्मीर की यात्रा के लिए तारीखें आवंटित नहीं कर सके थे, जहां अगला कार्यक्रम होगा। दूसरा शेड्यूल 1 फरवरी को कश्मीर में शुरू हुआ। इस शेड्यूल के दौरान विजय का फुटेज लीक हो गया और वायरल हो गया, जिसके बाद फिल्म के आधिकारिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा भागीदार ने लोगों को लीक हुई सामग्री को साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके अलावा शूटिंग से तस्वीरें और वीडियो लीक होने से रोकने के लिए अधिकांश कलाकारों और क्रू सदस्यों को सेट पर मोबाइल फोन का उपयोग करने से बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। 27 फरवरी 2023 को मैसस्किन ने ट्वीट किया कि उन्होंने फिल्म के लिए अपने हिस्से का फिल्मांकन पूरा कर लिया है, जिसमें एक गहन स्टंट अनुक्रम शामिल था। मार्च की शुरुआत में मेनन ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। महत्वपूर्ण हिस्सों को शूट करने के लिए मनोज परमहंस एक IMAX प्रमाणित रेड वी रैप्टर 8K कैमरा लाए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए पहली बार था। 11 मार्च को संजय दत्त ने कश्मीर शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू की और उन्हें 6 दिनों के भीतर पूरा किया। 21 मार्च को स्थान पर मामूली भूकंप के कारण फिल्मांकन रोक दिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से शुरू हो गया। इस शेड्यूल में 10 करोड़ की लागत से बना एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया था, जिसमें एक लकड़बग्घा भी शामिल था। विजय ने केवल एक साधारण पतली शर्ट के साथ एक लड़ाई का दृश्य शूट किया और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद उन्हें बर्फ पर लौटना पड़ा। उनके शर्टलेस होने का एक दृश्य भी फिल्माया गया था। कश्मीर कार्यक्रम 23 मार्च को समाप्त हो गया। स्टूडियो ने लियो के दल को श्रद्धांजलि के रूप में उस दिन कश्मीर शेड्यूल का एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया, जिन्होंने -5 से -6 डिग्री सेल्सियस में पर्दे के पीछे काम किया। निर्देशक ने कश्मीर शेड्यूल को पूरा करने के लिए क्रू के प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद दिया। टीम ने इस शेड्यूल में डल झील, हजरत बल श्राइन, सोन मार्ग, पहलगाम और श्रीनगर में शूटिंग की। तीसरा शेड्यूल 29 मार्च को चेन्नई में शुरू करने का इरादा था, लेकिन 5 अप्रैल को यह जाकर शुरू हुआ, लगभग एक सप्ताह बाद। इस शेड्यूल के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा। विजय, संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन,
अर्जुन सरजा और प्रिया आनंद के साथ समवर्ती कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जिसके 17 दिनों तक चलने की सूचना है। कुछ एक्शन दृश्यों को मोको बैट कैमरे से शूट किया गया था। त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त और अर्जुन सरजा मई से फिल्म की फिर से वो शूटिंग उन्होंने शुरू की। लोकेश कनगराज ने कम से कम 2000 पृष्ठभूमि कलाकारों को शामिल करते हुए एक परिचयात्मक गीत अनुक्रम शूट करने की भी योजना बनाई। इस गाने की शूटिंग जून की शुरुआत में चेन्नई में 500 पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ की गई थी। निर्माताओं ने 7 दिनों तक गाने की शूटिंग के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। परमहंस ने उच्च रिजोल्यूशन में एक्शन दृश्यों को शूट करने के लिए एक कोमोडो एक्स कैमरा खरीदा। इस प्रकार इस कैमरे का उपयोग करके शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। जून के अंत में उत्पादन ताला कोना में स्थानांतरित हो गया। अंतिम शेड्यूल हैदराबाद में और क्लाइमेक्स भाग रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया। विजय ने 10 जुलाई तक अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। मुख्य फोटोग्राफी 14 जुलाई 2023 तक पूरी हो गई थी। फिल्मांकन 125 कार्य दिवसों तक चला। लगभग 4 महीने तक इसकी शूटिंग चली। 1 महीने बाद टीम पैचवर्क फिल्मांकन के लिए कश्मीर लौट आई थी। फरवरी 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि लोकेश कनगराज CGI पर समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिल्म को विस्तारित पोस्ट प्रोडक्शन समय मिल गया। विजय ने जुलाई 2023 की शुरुआत में अपने सेगमेंट के लिए डबिंग शुरू की और 10 जुलाई को इसे पूरा कर दिया। मुनेश एच और वी श्रीनिवास मोहन फिल्म के प्रमुख विजुअल इफेक्ट स्टूडियो मूविंग पिक्चर कंपनी अल जारा VFX और स्काई हाई VFX के साथ दृश्य प्रभाव परीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। फिल्म का डिजिटल इंटरमीडिएट और कलर ग्रेडिंग का काम अगस्त 2023 के अंत में शुरू हुआ था। चिन्मय श्रीपदा ने फिल्म के तमिल, तेलुगु और कन्नड़ संस्करणों के लिए त्रिशा कृष्णन के लिए डब किया था। दोस्तों, इसके संगीत की बात की जाए तो साउंड ट्रैक अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित की गई है। कथी 2014, मास्टर 2021 और विश्व 2022 के बाद विजय के साथ उनके चौथे सहयोग में मास्टर 2021 और विक्रम 2022 के बाद लोकेश कनगराज के साथ यह उनका तीसरा सहयोग है। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 16 करोड़ में खरीदे गए थे। ऑडियो लॉन्च 30 सितंबर 2023 को नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में सुरक्षा बाधाओं के अलावा पास के लिए लगातार अनुरोधों के कारण 27 सितंबर 2023 को रद्द कर दिया गया था। ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 16 सितंबर 2023 को 11वें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में लोकेश कनगराज ने घोषणा की कि फिल्म अपडेट अगले दिन से शुरू हो जाएंगे। लियो का आधिकारिक माल 17 सितंबर 2023 को विलेवोस द्वारा लॉन्च किया गया था। लियो ब्लडी स्वीट प्रोमो 3 फरवरी 2023 को ही रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म के शीर्षक का खुलासा भी किया गया। फर्स्ट लुक पोस्टर 22 जून 2023 को जारी किया गया था और ट्विटर पर 24 घंटों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फर्स्ट लुक बन गया। 17 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ
तेलुगु पोस्टर 32 मिनट में इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन लाइक तक पहुंचने वाला किसी भारतीय फिल्म का सबसे तेज पोस्टर बन गया। 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर 4 भाषाओं में 47 मिलियन व्यूज के साथ 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तमिल ट्रेलर बन गया। इसे 21 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स, 7 घंटों में 2 मिलियन लाइक्स और 24 घंटों में 3.7 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले। यह उपलब्धि हासिल करने वाला सबसे तेज फिल्म का ये ट्रेलर बन गया। दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज कैसे कैसे किया गया, किस तारीख को किया गया, इसमें क्या क्या परेशानी हुई, ये सारे फैक्ट्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। लियो को 19 अक्टूबर 2023 को आईमैक्स और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। तमिल के अलावा इसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं सहित डब संस्करणों में रिलीज किया गया है, यानी कि पैन इंडिया के तौर पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। फिल्म का हल्का संपादित संस्करण यूके में 15+ रेटिंग के साथ नाटकीय रूप से जारी किया गया। हालांकि यूके में 26 अक्टूबर को रिलीज के लिए एक अनकट 18 रेटेड संस्करण को भी मंजूरी दे दी गई थी। लियो यूके में आईमैक्स प्रारूप में रिलीज होने वाली विजय की पहली फिल्म थी। यह पहली तमिल फिल्म थी जो अन्य प्रमुख देशों की तरह बांग्लादेश में भी उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन दुनिया भर में ये। दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल्डन ग्लोब फिल्म में। तो ये कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। लियो जो कि ब्लडी स्वीट के रूप में पूरे देश में इसको वितरण किया गया है। यह एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कनक राज द्वारा निर्देशित और SS ललित कुमार और जगदीश पलानी सामी द्वारा निर्मित है। इसमें विजय के साथ संजय दत्त, अर्जुन, त्रिशा, मैडोना, सेबेस्टियन, गौतम वासुदेव मेनन, मैसस्किन, मंसूर अली खान, जॉर्ज मैरिन, प्रिया आनंद और मैथ्यू थॉमस मुख्य भूमिका में है। यह लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की तीसरी किस्त है और ये हिस्ट्री ऑफ वायलेंस 2005 से प्रेरित है जो इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थाई शीर्षक थालापट्टी 67 के तहत की गई थी क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 67वीं फिल्म है और इसी कारण से इसका शीर्षक थालापट्टी 67 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कश्मीर में एक हिट फुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई जिसके बाद फिर से पूर्व स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। लियो को दुनिया भर में 19 अक्टूबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिर्ची समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया है। यह लियो जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी पर, जो कि सच्ची कहानी है, उस पर यह निर्भर है। पार्थिबन पार्थी एक पशु बचावकर्ता और ठियोग में एक कैफे का मालिक है जो अपनी पत्नी सत्या और 2 बच्चों सिद्धार्थ यानी कि सिद्धू और माथी यानी चिंटू के साथ खुशी से रह रहा है। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रियोज जो कि एक वन रेंजर है उसे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद के लिए बुलाता है। सिद्धू की माँ मदद से पार्थी लकड़बग्घे को शांत करने और शहर वासियों को बचाने में सफल हो जाता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा के शांत हो जाने पर उसे गोद ले लेता है। एक रात पार्थी और माथी कैफे में थे तभी सनमुगम नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर और उसके आदमी कैफे को लूटने के लिए पहुंचते हैं। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है लेकिन गिरोह का एक सदस्य एक महिला कर्मचारी पर चाल चलता है।
गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक ने माथी को मारने का प्रयास किया तो पार्थी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार दी, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से वह टूट गया। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छप गई। ऐसे ही एक छवि तेलंगाना में हेराल्ड दास नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर को दिखाई देती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में सूचित करता है। इसी बीच सनमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि नेपोलियन को हाल ही में दिल्ली के साथ उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था। उसके परिवार की रक्षा करने का उसे काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है, जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त इरुधिये राज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। इरुधैराज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। जब वो लियो के अतीत के बारे में बताता है, उसके बाद फिल्म में पूर्ण रूप फ्लैशबैक में कहानी चलना शुरू हो जाती है। तो अतीत की कहानी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेराल्ड कनाडा से लौटे और दवाओं की तस्करी शुरू कर दी, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पाद चलन में नहीं थे। एंटनी के जुड़वा बच्चों लियो और एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही गंदा काम किया। तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलता, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के पूर्ण रूपेण काबू में हो गया था और इसी तंत्र मंत्र को लेकर वो बलि देने वाली प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया। क्रोधित होकर लियो ने हेराल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेराल्ड एलिसा को मारने में कामयाब रहा और एंटनी ने लियो को गोली मार दी, जिसे तब से मृत मान लिया गया था। यह सुनकर जोशी को यकीन हो गया कि पार्थी लियो नहीं है, जबकि सत्या को भी इसका पक्का सबूत मिल गया। इस बीच एंटनी ने सिद्धू का अपहरण कर लिया और उससे कहा कि वह सिद्धू की बलि दे देगा, क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि नहीं दे सकता। पार्थी और नेपोलियन एंटनी और उसके आदमी का पीछा करते हैं। पार्थी अंततः उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हेराल्ड को एंटनी की मौत के बारे में पता चलता है और वह पार्थी को सिद्धू के बंगले बदले में एंटनी का शव लाने के लिए बुलाता है। जैसे ही पार्थी हेराल्ड की मांद में जाता है, हेराल्ड को पता चल जाता है कि उसने सत्य और माथी को
मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि नेपोलियन, जोशी और लकड़बग्घे ने सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। हेराल्ड के आदमी उनकी मांद में पार्थी पर हमला करते हैं, जो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। हेराल्ड और पार्थी के बीच लड़ाई हो जाती है, जहां पार्थी एक बंदूक पकड़ लेता है और हेराल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस बिंदु पर हेराल्ड स्वीकार करता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि पार्थी हंसने लगता है और अंततः हेराल्ड को गोली मारने और पूरे दास एंड कंपनी कारखाने को विस्फोट से उड़ाने से पहले स्वीकार करता है कि वह लियो है। लियो का कहना है कि उसने अपने अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और जो कोई भी उसका इतिहास जानता है उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, पार्थी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन में लौटता है, जहां उसे एक फोन आता है। कॉल करने वाले ने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्थी लियो है और उसे बताता है कि केवल उसके परिवार की फैक्ट्री को नष्ट करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ड्रग्स पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। कॉल करने वाला यह भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थी उसकी पहचानता है, क्योंकि पार्थी गुस्से में आह भरता है। तो दोस्तों, इसमें विजय जो है लियो दास यानी कि पार्थिवन, पार्थी के रूप में, लियो के रूप में भी और पार्थी के रूप में, दोनों रूप में विजय ने काम किया है। एंटनी दास लियो और एलिसा के पिता के रूप में संजय दत्त है, जो कि हेराल्ड दास का बड़ा भाई के रूप में उन्होंने काम किया है। हेराल्ड दास लियो और एलिसा के चाचा के रूप में अर्जुन ने काम किया है, जो कि एंटनी का छोटा भाई है। त्रिशा कृष्णन सत्या के रूप में और पार्थिवन की पत्नी यानी चिन्मय श्रीपदा द्वारा डब की गई आवाज में वो काम किए हैं। गौतम वासुदेव मेनन वन रेंजर जोशी एंड्रयूज के रूप में उन्होंने काम किया है। जॉर्ज मैरियन नेपोलियन के रूप में है। लियो की जुड़वा बहन एलिसा दास के रूप में मैडोना सेबेस्टियन ने काम किया है। प्रिया आनंद प्रिया जोशी एंड्रयूज जोशी की पत्नी के रूप में उन्होंने काम किया है। सिद्धार्थ सिद्धू पार्थिवन और सत्य के बेटे के रूप में मैथ्यू थॉमस है। याल मथी चिंटू पार्थिवन और सत्या की बेटी के रूप में उन्होंने काम किया है। हृदय राज डिसूजा लियो के विश्वास पात्र और मित्र के रूप में मंसूर अली खान ने काम किया है। एंटनी के गुर्गे के रूप में बाबू एंटनी है। सनमुगम के रूप में मैसस्किन है। सनमुगम की पत्नी के रूप में शांति मास्टर है। सनमुगम के गिरोह में सैंडी मास्टर एक डाकू है। सनमुगम के बहनोई के रूप में मधुसूदन राव है। जननी कुनासिरन श्रुति के रूप में है और श्रुति के पति के रूप में सचिन मणि ने काम किया है। जज के रूप में डेंजिल स्मिथ ने काम किया है। पार्थिवन के वकील के रूप में शांति माया देवी है। लोक अभियोजक के रूप में लीला सैमसन है। गैबी के रूप में रामकृष्णन वैयापुरी एक जिप्सी के रूप में दिनेश मास्टर दिनेश के रूप में जवाहर एक पशु चिकित्सक के रूप में डैनियल के रूप में अनुराग कश्यप है, जो कि उनकी कैमियो उपस्थिति है, लेकिन बिल्कुल ही उनका छोटा रोल है। माया एस कृष्णन एक अनुरक्षक के रूप में, जो कि उनका भी एक कैमियो उपस्थिति है। एजेंट विक्रम के रूप में कमल हसन है, जो कि कमल हसन कैमियो में भी आते नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी आवाज अंत में सुनाई पड़ती है। दोस्तों, ये 2021 की शुरुआत में
मास्टर फिल्म की सफलता के बाद यह बताया गया कि लोकेश कनक राज ने विजय से उनके आवास पर मुलाकात की और एक स्क्रिप्ट सुनाई जिससे वह प्रभावित हुए। यह परियोजना एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अभिनेता की 66वीं फिल्म मानी जाती थी, जो कि मास्टर फिल्म थी, यानी कि 66वीं फिल्म उनकी जो हुई ये फिल्म थी लियो। हालांकि इसके बजाय वह पद वारिसु, जो कि 2023 में ही रिलीज हुई थी, ये उन्हें मिल गया। लोकेश और विजय के बीच संभावित सहयोग की खबरें फरवरी 2022 तक जारी रहीं। अगले मार्च में लोकेश ने पुष्टि की कि विजय की 66वीं फिल्म का निर्देशन करने के लिए उनके साथ चर्चा हुई थी। उस मई में उन्होंने इस परियोजना की पुष्टि की, जिसका अस्थायी शीर्षक थलापट्टी 67 था। इस परियोजना को SS ललित कुमार के 7 स्क्रीन स्टूडियो द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने मास्टर का वितरण और सह निर्माण किया था। विजय के मैनेजर जगदीश पलानी सामी ने सह निर्माता के रूप में इसमें काम किया है। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 30 जनवरी 2023 को एक सार्वजनिक घोषणा की और फिल्म का आधिकारिक शीर्षक लियो 3 फरवरी 2023 को सामने आया। फिल्म की बजट जो है वो लगभग 250 से 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई है और विजय को पारिश्रमिक के रूप में लगभग 120 करोड़ रुपए प्राप्त होने की ये सूचना है। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर फिल्म के निर्माण को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व साझा कर मॉडल अपनाने का फैसला किया। आधार के अनुसार उन्हें अग्रिम के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और मुनाफे का एक हिस्सा अभिनेता के पारिश्रमिक के रूप में उन्हें प्राप्त हुए हैं। विजय लियो को एक अखिल भारतीय फिल्म बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वह तमिल दर्शकों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हालांकि ललित और जगदीश के समझाने के बाद अभिनेता ने अपना मन बदल लिया। फिल्म को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए मूल कहानी में भी कुछ बदलाव किए गए। अगस्त 2023 में फिल्म को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, क्योंकि निर्माताओं ने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेखन और प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनगराज को लगभग 6 महीने लग गए और जिल जंग जुक, जो कि 2016 में फिल्म आई थी, के निर्देशक धीरज वैद्य के साथ लगातार तीसरे सहयोग में रत्ना कुमार के साथ फिल्म की पटकथा लिखी गई। वे दोनों अगस्त 2022 के मध्य में लेखन टीम में शामिल हुए। लोकेश कनगराज ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से उनकी शैली में ही बनाई जाएगी। मास्टर फिल्म के विपरीत, जिसे वह 50% विजय फिल्म और 50% अपनी फिल्म मानते हैं, 5 दिसंबर 2022 को चेन्नई के ABM स्टूडियो में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई। 7 दिसंबर को टीम ने लगभग 3 दिनों तक फिल्म के लिए प्रचार वीडियो शूट किया। जनवरी 2023